नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है 19वीं शताब्दी में, और फिर इसी राष्ट्रवाद से आगे चलकर कांग्रेस का निर्माण होता है, कांग्रेस का गठन होता है, उसके बाद में किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो चलते हैं, और उन्हीं आंदोलनों की बदौलत हमें आज़ादी मिलती है ना। तो यह राष्ट्रवाद भारत में क्यों उदय हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे, कौन कौन लोग थे इस राष्ट्रवाद के उदय में, है ना, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। कुछ कारण जो है हम आज के लेक्चर में जानेंगे, साथ साथ कुछ कारण जो है वो कल के लेक्चर में जानेंगे। अगर आज में सारे बता देता तो कन्फ्यूज भी हो जाते और लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाता। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, इससे पहले कि हमें देखें कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रवाद होते क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है राष्ट्रवाद, है ना, कौन सी चिड़िया है जिसका नाम राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा विश्वास जिसमें लोग अपने आप को एक इतिहास, एक परंपरा, कोई भाषा, जाति या जातिवाद आप कह सकते हो, या संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हों और अपने आप को एकीकृत महसूस करते हों, है ना, और इन सीमाओं के कारण वह एक ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि भाई हम लोग तो एक जैसे ही लोग हैं और हमारा भी कोई राजनीतिक समुदाय जो है वो होना चाहिए और हमें उसके लिए अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये होता है राष्ट्रवाद। जैसे हम हमारे भारत में राष्ट्रवाद है, जैसे कोई कहता है ना कि आपके देश में आप तो राष्ट्रवादी नहीं है, आप राष्ट्रवाद नहीं है, इसका मतलब क्या, आपको अपने भारत की संस्कृति, भाषा, ये सबसे जब प्रेम होता है तो आप अपने आप राष्ट्रवादी होते हो, है ना। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। अब देखो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के बाद में जो चला, है ना, तो 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना घटती है तो वो होती है राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी में कोई महत्वपूर्ण सबसे घटना होती है तो वह क्या होती है, राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। और यही जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो इतिहास की धारा को मोड़ता है, हमें ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकलवाता है और हमें स्वतंत्रता दिलवाने में यही राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु देखिए, ये राष्ट्रवाद, इसके लाभ तो हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता इससे मिली, पर आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे ये राष्ट्रवाद दो धारी तलवार है। क्या है, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब इसके कुछ लाभ भी हुए तो कुछ हानियां भी इससे हुई, क्योंकि जब राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है तो राष्ट्रवाद ना होकर वो अंध राष्ट्रवाद में बदल जाता है ना। जैसे एक नेशनलिज्म होता है, एक जिंगोइज्म होता है। जिंगोइज्म क्या होता है, अंध राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्र के नाम पे कुछ भी किया जाता है, आगे देखेंगे हम, ठीक। तो अब देखेंगे हम राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या क्या हुए, है ना, क्या ऐसे उत्प्रेरक तत्व हुए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, है ना। सबसे पहले था ब्रिटिश साम्राज्यवाद। देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के पहले क्या हुआ करते थे, छोटे छोटे राजे महाराजे रजवाड़े हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, पूरा ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया के होने से पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर बंगाल का अलग से एक नवाब हुआ करता था, या हैदराबाद का अलग से नवाब हुआ करता था, यहाँ पर मराठे वगैरह हुआ करते थे, या दिल्ली की सल्तनत अलग से चला करते थे, गुजरात के अलग राजा थे, राजस्थान के अलग राजा थे, पंजाब में अलग राजा, ये पहाड़ी अलग राजा, इस प्रकार से सब लोग अलग अलग थे, समझ रहे हैं आप बात। परंतु जब भारत में ब्रिटिशर्स लोग आए, इन लोगों ने सबको एक जगह मिला लिया, सारे राज्यों को मिलाकर एक पूरा ब्रिटिश भारत बना दिया, समझ रहे हैं आप बात, ब्रिटिश भारत इन्होंने बना दिया। और जो साम्राज्यवाद फैला, है ना, हालांकि इसके नुकसान भी बहुत है, पर इसका एक फायदा भी हुआ कि ये जो साम्राज्यवाद फैला, इसकी वजह से क्या हुआ, सब लोग एक जगह मिलने लगे। अब भाई अंग्रेज लोग देखिए, ये पूरे लोग अब एक जगह मिलने लगे, है ना, अब यहाँ पर रेल की पटरियां बिछने लगी है ना, लोगों का आवागमन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। बंगाल के लोग पंजाब में जा रहे हैं, बॉम्बे में आ रहे हैं, बॉम्बे के लोग मद्रास में जा रहे हैं, मद्रास के लोग बॉम्बे में जा रहे हैं, इस प्रकार से लोगों का आवागमन होता है और लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, आपस में मिलना शुरू करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। भाई बॉम्बे वाला आदमी बंगाल वाले से मिल रहा है और अपने दुख सुना रहा है, भाई देखो हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमारे यहाँ तो कर लगा देने, तो मंगल वाले कह रहे हैं यार हमारे साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं, हमारे नवाब को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो इनको अपना मन सा महसूस हुआ, भाई यार हमारे दुश्मन तो दोनों एक ही है, और आप भी परेशान, हम भी परेशान। कभी आप देखिएगा कोई आप जैसे ही परेशान हो तो आप उससे अपनापन सा आपको फील होने लगता है ना। जैसे कोई यूपीएससी वाला बंदा हो तो आपको लगेगा यार ये तो भाई है अपना, कहीं भी मिल जाए तो,
ऐसा लगेगा आपको। तो इनको भी ऐसा लगने लगा, एकदम भ्रातृत्व की भावना इनमें उत्पन्न होने लगी। साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र के लोगों को समझने का भी इन्होंने प्रयत्न किया कि भाई हाँ बंगाल के लोग हैं यार, इधर ऐसी भाषा बोली जाती है, साथ ही साथ ऐसे लोग हैं, ये इनकी संस्कृति है, ये सब चीज़ें उनके बारे में पता होने लगी, है ना। और इनको पता लगा कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, भाई ले देखे अपना दुश्मन एक ही है, अंग्रेज। तो विदेशी राज्यों के विरुद्ध उनमें लड़ने की प्रेरणा भी उत्पन्न होने लगी, है ना। इस प्रकार से प्रोफेसर मून कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इसे एक दल के अधीन राजनीतिक एकता प्रदान कर दी, है ना। वो दल कौन सा था, जैसे कि बाद में एक दल बन जाता है कांग्रेस। और समाज में जो विरोधी और असंगठित तत्व विद्यमान थे वो भी एक हो जाते हैं, है ना, वो भी एक होकर लड़ने के लिए अंग्रेजों से एक हो जाते हैं कि भाई हाँ यार हमारी भी एक समस्या है तो आपकी भी ये समस्या है, पर इस समस्या का जड़ कौन है, इस समस्या का कारण कौन है, बोले अंग्रेज हैं, तो हम तो इस हिसाब से भाई भाई हुए, है ना। फिर ये तो हमने देख लिया साम्राज्यवाद, यानी पूरे भारत के लोग जो एक दूसरे से मिलने लगे उसकी वजह से उनमें एकता का, भ्रातृत्व का भाव विकसित हुआ। फिर दूसरा देख लेते धार्मिक और सामाजिक सुधार योगदान। तो भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार योगदान होते हैं वो भी भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरणा देते हैं। जैसे जो भी सामाजिक सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय आपको दिख रहे होंगे, है ना, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, इन सब लोगों ने क्या किया, भारत का जो अतीत था उसका गौरवपूर्ण चरित्र सबके लोगों के सामने रखा कि भाई अंग्रेज पहले क्या कहते थे, अंग्रेज ये कहते थे कि भारतीय तो हीन है, ये तो बर्बर है, भारतीयों को कुछ पता ही नहीं है, इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। पर इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने उपनिषद पढ़े, हैं, इन्होंने वेद पढ़े, और स्वामी दयानंद सरस्वती तो क्या कहते हैं, वेदों को अनुलंघ्य मानते कि भाई वेदों में सबसे ज्यादा ज्ञान दुनिया का कहाँ है, वेदों में है ना। तो इन लोगों ने अपना चरित्र दिखाया पूरा भारत का जो ज्ञान है उसका, कि नहीं हमारे हमारा भी एक एक अतीत है, एक गौरवपूर्ण अतीत है हमारा, है ना। तो इस गौरवपूर्ण अतीत की वजह से लोगों में लगा कि यार हम सब एक हैं, हमारे हम भी लड़ सकते हैं इन लोगों से, हमारी संस्कृति भी क्यों इतनी कोई हीन नहीं है ना। भारतीयों को ये स्त्रैण कहते थे, क्या कहते थे, स्त्रैण, यानी स्त्री के जैसे हैं ये लोग, तो है ना, इन लोगों को कुछ अकल ही नहीं है, ऐसा। एनी बेसेंट आती है ना, दयानंद, एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद ने ही कहा था कि भारत भारतीयों का है, ये नारा दिया था, है ना। एनी बेसेंट आती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ती है ना। इस प्रकार से भारत के जो सुधारवादी थे उन्होंने भारत में, भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत हुआ करता था उससे भारत के लोगों को परिचय करवाया। और अब तक जो लोगों को लग रहा था कि हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, हम तो अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है, लोगों को पता लगने लगा कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनकी मात्रा में, तो हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हमारी संस्कृति इनसे भी ज़्यादा पुरानी है ना। इस प्रकार से भारतीय लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी होने लगी। अब देखिए इस अतीत के बारे में जब इनको पता लगा तो यहाँ पर एक नुकसान क्या हुआ, जब भारतीय लोगों ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की बात करी तो उसमें जो मुस्लिम शासन था उस मुस्लिम शासन को इन्होंने अनदेखा कर दिया, ये इनसे गलती। मुस्लिम शासन मतलब जो मध्यकालीन भारत है ना, उस मध्यकालीन भारत को इन्होंने अनदेखा कर दिया। और जितना भी इन्होंने भारत का गौरवगान किया अतीत में, वो गौरवगान किसका किया, जो एंशियंट इंडिया था ना, एंशियंट इंडिया का इन्होंने पूरा गौरवगान किया, जिसमें जो मैक्सिमम हिंदू राजा हुआ करते थे। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे वो इस आंदोलन से थोड़े से कट जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारी कोई बात ही यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये सामाजिक सुधार आंदोलनों की वजह से भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर अंग्रेजी शिक्षा, अब देखिए भारत में क्या हुआ करता था, इस प्रकार से चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनमें से क्या, पढ़ने का अधिकार किसको है, ब्राह्मण को, शूद्रों को तो बेचारों को है ही नहीं, है ना। पूरा पढ़ने का अधिकार किसको, ब्राह्मण को। शूद्र अगर पढ़ लेते थे शीशा पिघला के उनके गरम गरम शीशा कानों में डाल दिया करते थे, अगर वो कहीं सुन ले गीता वगैरह का, रामायण का पाठ, तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, है ना। आप गुलामगिरी पढ़ना कभी, उसमें आपको पता लगेगा ये सब चीज़ें। तो भारत में अशिक्षा फैली हुई थी, जब भारत में अशिक्षा है तो भारतीय लोग जो थे वो कोई भी अधिकारों की मांग नहीं कर सकते थे, उन्हें अपने अतीत के बारे में पता नहीं था। अब कुछ भारतीय लोग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब ये लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये पश्चिमी देशों में जाते हैं अंग्रेजी के बदौलत, और वहां जाकर देखते हैं कि यार ब्रिटेन में तो लोकतंत्र है, ब्रिटेन में एक संसद है, क्या है, ब्रिटेन में एक संसद है, वहां लोकतंत्र है, वहां नागरिकता है, क्या है, नागरिकता है, वहां नागरिकों को अधिकार दिया गया है,
और भारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, इसलिए अब ये लोग भी भारत में आके मांग करने लगते हैं कि हमें भी नागरिकता चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी जो है आप कहो कि प्रतिनिधित्व चाहिए। नारा दिया गया बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, है ना। 1860 ईस्वी में आयकर लगा दिया जाता है तो इसका विरोध होता है कि हमें प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया और आपने आयकर लगा दिया, है ना। हमें प्रतिनिधित्व दिया नहीं आपने और आपने आयकर लगा दिया। इस प्रकार से ये सब चीज़ें जब अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में लोग आते हैं, पश्चिमी देशों में जाते हैं, वहाँ की सामाजिक आर्थिक दृष्टि जो राजनीतिक स्थिति से वो परिचित होते हैं, तब तो उनको पता लगता है कि नहीं, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तब उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना आती है, क्योंकि उस टाइम में पश्चिम में भी राष्ट्रवाद की भावना अपने जोरों शोरों पर होती है, फ्रांस वगैरह में, है ना, इनमें, वहाँ पर स्पेन में राष्ट्रवाद की भावना अपने जोरों तोरों पर होती है। इसलिए इन ये भी राष्ट्रवाद की भावना से वहाँ पर प्रभावित होते कि नहीं भाई, हमारा भी एक राष्ट्र है, हमें भी नागरिकता मिलनी चाहिए। वो राष्ट्र होता क्या, यही तो होता है एक नागरिकता, हमें भी हो, हमें भी प्रतिनिधित्व मिले सरकारी नौकरियों में, सब में, है ना। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया था सबसे पहले, लॉर्ड मैकॉले ने 1833 में, है ना, 1835 के आसपास आप देखोगे लॉर्ड मैकॉले का जो है, मैकॉले मिनट होती है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता है। हालांकि 1813 ईस्वी के अधिनियम से ही शिक्षा का प्रसार तो शुरू होने लगता है। ये शिक्षा के प्रसार के बारे में कौन कौन सी कमिटीज थी, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार प्रसार हुआ, लोग पश्चिमी विचारों से प्रभावित हुए, तब जाके इनमें भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है ना। फिर भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, उस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में, ये याद रखना सन भी, है ना। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। अब ये क्या करते हैं, ये होते हैं प्राच्यवादी व्यक्ति। प्राच्यवादी और आंग्लवादी ये क्या होते थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। प्राच्यवादी मतलब जो भारतीय ज्ञान जो है उसका, उसको सीखना चाहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई भारतीयों पर अगर शासन भी करना हो तो भारतीयों की रीति रिवाजों के अनुसार करना चाहिए। वो भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय सभ्यता थी, उसको पश्चिम के बराबर का दर्जा देते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है पश्चिम के जितनी पुरानी है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं, ये है प्राच्यवादी। जब इनको पता लगा, इन प्राच्यवादियों ने ये सब बातें बताई कि भारत की संस्कृति तो पश्चिम के बराबर जो है पुरानी है और उसी प्रकार के इसमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो भारतीयों को लगा कि नहीं, हाँ हम भी इनके बराबरी कर सकते हैं अंग्रेजों की, और इनमें भी एक अपनापन सा, एकता की भावना इनमें विकसित हुई और यही राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार मानी जाती है ना। भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में नया ज्ञान देखने को मिला। हम लोग तो अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं थे कि कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, कहाँ अशोका है, कहाँ अपने यहाँ वैदिक संस्कृति में, हम जानते नहीं थे। इन्हीं प्राच्यवादी लोगों ने ही हमें, मैक्स मूलर हो गए, इन सब लोग जो थे, इन्होंने हमें अपने ही ज्ञान से परिचय इन्होंने करवाया, है ना। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, हो गए सर सैयद अहमद खां हो गए, इन सब लोगों ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति के बारे में ज्ञान फैलाया। बाद में गांधी जी आ जाते हैं तो वो देशी भाषाओं के विकास पर बल देने लगते हैं, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं जिन्होंने आनंद मठ लिखा, और उस आनंद मठ में गीत था वंदे मातरम, और वो वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रगीत बन के रह गया। यही वंदे में मातरम का गीत गा गा के भारतीय लोग अंग्रेजों को एक के प्रति भारतीय लोगों को एकजुट किया करते थे, है ना। आज भी आपने देखा होगा कोई आंदोलन वगैरह होता है तो उस आंदोलन में कोई नारे लगाए जाते हैं, कोई गीत गाए जाते हैं, है ना। जैसे वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये गांधी जी अपने हमेशा जो वो सभाएं उनकी होती थी, साथ ही साथ कोई आंदोलन करते थे उसमें ये गुनगुनाते थे। ये सब चीज़ों से भारत का अपनापन महसूस होता है, एक यही राष्ट्रवाद है ना। फिर दीनबंधु मित्र ने नाटक लिखा नील दर्पण, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 1856 में जो नील का जो आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह, उसके ऊपर नील दर्पण लिखा, और तो उस नील दर्पण को जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों को लगा कि यार ये अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना गलत कर रहे हैं, और ये सारे भारतीय तो हमारे, हम भाई भाई हैं इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें देशभक्ति की भावना भारतीयों में भर देते हैं, है ना। तो भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान किया। उसके बाद में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, ये भी राष्ट्रवाद के उस उत्थान से ही रिलेटेड है। एक मिनट में पानी पी लूँ। देखिए 1878 में लिटन, लॉर्ड लिटन जो है वो भारत के वायसराय होते हैं। ये 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय रहते हैं। ये कुख्यात होते हैं, है ना, ये बहुत खराब व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंग्लैंड में भी
जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता ब्रिटेन में हुआ करती थी, और ये खुद भी कंजर्वेटिव हुआ करता था, लॉर्ड लिटन, तो ये भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखा करता था। 1878 में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन लेके आया था शस्त्र अधिनियम। इस शस्त्र अधिनियम में क्या था कि भारतीयों को अगर आग्नेय अस्त्र रखना है, भारतीयों को कोई आग्नेय अस्त्र रखना है, तो उस आग्नेय अस्त्र के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अंग्रेजों को ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। तो ये एकदम कुख्यात हो गया, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि यार ये क्या बात हुई, अंग्रेजों के पास है आग्नेय अस्त्र मतलब बंदूकें, और हमें लाइसेंस लेने की जरूरत है, और लाइसेंस ये लोग इतने आसानी से देते नहीं थे, तो ये तो गलत है। तो ये सब चीज़ें भी राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोगों को एक करने में, है ना, क्योंकि जब जब कोई आदमी जुल्म करेगा तो लोग वैसे वैसे एक होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये तो कोई कोई बात नहीं, छोड़ो, यहाँ पर देखिए, ये लिटन ने फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आता 1878 ईस्वी में ही, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था, वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, देसी भाषाएं, देसी, है ना। तो देसी भाषाओं के जितने भी यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी, उन पत्र पत्रिकाओं को लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, साथ ही साथ उसमें उनके संपादक का नाम, संपादक का पता, और कुछ जमानत भी देनी पड़ती थी, समझ रहे हैं आप बात। और कौन सी न्यूज छापी गई है, ये सब न्यूज पहले ही ये इन अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिखाना पड़ता था कि देखिए हमने ये न्यूज छापी है, फिर न्यूज जो वो समाचार पत्र जा सकता था आगे। तो देखिए इस प्रकार से अगर सरकार ही आज के, अगर हम इस मामले में देखें तो सरकार अगर ये डिसाइड करने लग जाए कि भाई न्यूज क्या छपेगी, है ना, तो फिर तो हो लिया काम, फिर तो सरकार जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो मीडिया चौथा स्तंभ कैसे रह जाएगा, तो सरकार के अंडर में आ गया फिर, है ना। अभी तो भी तो भारत सरकार ने एक ऐसा एक पास किया था ऑर्डर कि कोई भी जो है फैक्ट चेक नहीं करेगा, यानी हम भारत सरकार जो कह दें वही सही है, तो भाई सरकार तो गलत भी कह सकती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया कि नहीं सरकार ऐसा कहे हो कह ही नहीं सकती कि फैक्ट चेक नहीं कर सकते, लोगों का अधिकार है फैक्ट चेक करना, लोग करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से उस टाइम पे अंग्रेज अधिकार भी ऐसा ही जो अंग्रेज सरकार भी ऐसा ही कार्य कर रही थी। उसके बाद में 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और इसी दिल्ली के दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य को कैसरे हिंद की उपाधि दे दी जाती है। अब देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो है दरबार का आयोजन किया जा रहा है, बहुत खर्चा वहाँ किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं बड़े बड़े, और उसी समय में 1877 के समय में भारत में अकाल पड़ा हुआ था, तो लोग भड़क जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम मर रहे हैं, खाने खाने को मोहताज हैं, 1 रुपया हमारे पास नहीं है, तुम कर माफ करने को भी राजी नहीं हो, और यहाँ पर तो ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिंद की उपाधि दे रहे हो, दिल्ली दरबार का आयोजन करवा रहे हो। वो तो यही बात होगी कि जनता जो है वो भूखी मर रही है, उनके पास खाने को नहीं है, और हमारे नेता जो है वो मस्त पार्टियां कर रहे हैं, तो लोगों को तो बुरा लगेगा। उसके बाद में एक और उस लिटन ने कुख्यात काम क्या किया, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज उस काल में हुआ करती थी ना, उसमें पहले बैठने की उम्र जो है वो 21 साल हुआ करती थी, उसको घटाकर इसने 19 साल कर दिया कि भाई अब 19 साल ही है, उसमें 19 साल में एग्जाम दे सकता आदमी, उसके बाद में नहीं दे पाएगा, तो लोगों को बुरा लगा कि यार तुम तो 21 साल की उम्र, 19 साल में उम्र में दे लोगे, हम लोगों को तो थोड़ा आरक्षण के तौर पे चाहिए ना, आज भी जैसे SC ST OBC वालों को थोड़ा छूट दी जाती है एज में, तो इन लोगों को फिर ये बुरा लगता है। तो ये सब भी भारतीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में साहित्य का योगदान, बहुत से विद्वान हो गए, कवि हो गए, धार्मिक सुधारक हो गए, इन सब लोगों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होती है ना, वो भारतीय साहित्य का अध्ययन करवाती है, लोगों को अपने ही ज्ञान के बारे में परिचय होता, पता लगता है कि यार हम कितने महान हैं, है ना। साथ ही साथ वो अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद करके प्रकाशित करते हैं। मैक्स मूलर देखिए, ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी मूल के ये ब्रिटिश व्यक्ति हुआ करते थे, ये भारत के ज्ञान के बारे में खोज करते हैं, मैक्स मूलर, है ना। विलियम होते हैं, कोल बुक होते हैं, M.G. रानाडे होते हैं, हरप्रसाद शास्त्री, R.G. भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, इस प्रकार के जो भारतीय विद्वान थे, इन्होंने जो भी साहित्य लिखा, उस साहित्य में भी भारत में राष्ट्रवाद का भर भर कर जो है आपको कि वहाँ पर लिखा गया। आप और यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहो तो रविंद्रनाथ टैगोर का आप उदाहरण दे सकते हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने भी बहुत से जो है वो लिखे, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन सब लोगों ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारे साहित्य लिखा, और इनकी वजह से भी भारत को अपने अतीत पर गर्व होने लगा, और इस अतीत की भावना, अतीत का जो गर्व था और अपनापन जो लोगों को महसूस हो रहा था, ये भी राष्ट्रवाद के
उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर इस अतीत के गर्व में एक गलती हमसे हुई कि हमने जो मुस्लिम शासन था मध्यकालीन भारत में उसको अनदेखा कर दिया। इससे मुस्लिम जो लोग हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद से कट जाते हैं और इसी की परिणति होती है बाद में पाकिस्तान का विभाजन। लोगों को लगता है ना पाकिस्तान का विभाजन 1940 से ही लोगों की मांग शुरू थी, नहीं, ये जो राष्ट्रवाद है इसमें हिंदू देवी देवताओं को सहारा लिया जाता है। जैसे हम आगे देखेंगे कि आ, आ, शिवाजी की जयंती मनाई जाने लगती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगती है, इस प्रकार से ये राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सब ये त्यौहार, ये है ना। परंतु इन सब चीज़ों से मुस्लिम जो है वो दूर हो जाते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम इन त्यौहारों का, मुस्लिम प्रतिबिंबों का इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मुस्लिम अपने आप को अलग यहाँ समझने लगते हैं, अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। ये एक नुकसान हो जाता है अपने इस अतीत पर गर्व करने का, है ना। फिर समाचार पत्रों का योगदान सबसे बढ़कर तो यही था, सबसे बढ़कर समाचार पत्रों का योगदान ही तो था भाई। आज भी जब हम समाचार, पहले क्या था, समाचार पत्र थे नहीं, तो बंगाल में क्या हुआ लोगों को पता ही नहीं लगता, बॉम्बे में, बॉम्बे में क्या हुआ ये दिल्ली में नहीं पता लगता था। अब समाचार पत्र छपने लगे, लोगों को पता लगने लगा कि किस प्रकार के हालात जो है वो देश में बन रहे हैं। फिर लोग वहां पर उन हालातों पर चर्चा करते, जैसे आज न्यूज में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, तो लोग चर्चा करते हैं ना, और उस चर्चा करने से फिर राष्ट्रवाद का विकास होता। देखिए केसरी है ना, ये तिलक के हैं, मराठा है ना, हम अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, इस प्रकार से अनेक प्रकार के, हिंदू पेट्रियट है ना, इस प्रकार से द बंगाली हिंदू, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद के उदय में, है ना। फिर देखिए भारत का उच्च पदों से वंचित होना, तो देखिए ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब तक थी तब तक क्या हुआ करता था कि उसके जो पद हुआ करते थे उस पदों पर नियुक्ति किसकी हो सकती थी, जो अंग्रेज थे उन्हीं की नियुक्ति यहाँ पर हो सकती थी। फिर 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित होता है। इस चार्टर एक्ट में क्या कहते हैं कि भाई जो निचले पद हैं उन निचले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो सकती है, यानी कि बहुत जो नीचे के पद थे, आप कहोगे चपरासी के पद हो गए, और भी उससे नीचे नीचे हवलदार के, पुलिस में अगर देखें तो इस प्रकार के पद जो हुआ करते थे, कॉन्स्टेबल के पद, वो भारतीयों को यहाँ 1833 से दिया जाना शुरू हुआ, और वो भी हवलदार पे नियुक्त, हवलदार से ही आप रिटायर हो जाते थे। उच्च पदों पर भारतीयों को जाने ही नहीं दिया जाने ही नहीं दिया जाता था। तो इससे भी लोगों में जो मैं तो ये एक भावना बढ़ गई कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाद में 1853 का एक्ट आता है, 1833 के एक्ट में हालांकि जो है प्रतियोगिता की बात की जाती है ना, यानी कि जो ICS के पद होते थे उन पर भाई प्रतियोगिता के आधार पर बढ़े जाएंगे, परंतु ये लागू नहीं हो पाया 1833 में। परंतु 1853 के एक्ट से ये जो है लागू तो हो जाता है प्रतियोगिता का सिद्धांत। प्रतियोगिता भी बड़ी ही सीमित प्रतियोगिता होती है, और ICS की परीक्षा भी कहाँ होती है, सिर्फ इंग्लैंड में होती है और इंग्लिश में होती है, तो इंग्लैंड जाना पड़ता लोगों को, है ना। तो ऊंचे पद जो भी हुआ करते थे उन पर भारतीय लोगों को कोई वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था, है ना। और 1853 में फिर ऐसे बात कही जाती है कि हाँ इनको हम लेंगे, परंतु 1858 के अधिनियम के बाद में भारतीयों को उच्च सेवाओं में लेने की नीति को जानबूझकर लागू नहीं किया जाता है धीरे धीरे। हालांकि बाद में 1861 के एक्ट से लागू होता है धीरे धीरे, है ना। भारतीयों को उच्च सरकारी पदों में, विशेषतः इंडियन सिविल सर्विस है ना, ये ICS भाई, ये इंडियन सिविल सर्विस, उनके पदों से बाहर रखने की कोशिश ये करते थे, है ना। पर परीक्षा प्रवेश की जो वो आप उम्र थी कितनी, 21 वर्ष हुआ करती थी, है ना, और बाद में इसको 1876 में तो लिटन क्या कर देते हैं, 19 साल ही कर देते हैं। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये परीक्षा देते हैं, एक मिनट पानी पी लो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग कुछ परीक्षा देते हैं, फिर भी उनको बहुत कठिनाई के साथ परीक्षा, नौकरी वो लोग देते हैं परीक्षा पास करने के बाद में भी। आज आप समझिए कि आप ST या OBC से संबंध रखते हो, आपने UPSC का परीक्षा भी पास कर लिया, उसके बाद में भी आपको जो है वो IAS IPS ऑफिसर्स ना बनाए, समझ रहे आप। बाद में बड़ी कठिनाई से इनको नौकरी दे दी, बाद में 2 साल में झूठा आरोप लगाकर इनको नौकरी से निकाल दिया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, है ना। आज आपको भी ऐसे निकाल दे सरकार, क्योंकि पहले तो कोर्ट वोट कुछ नहीं, अंग्रेजों के सब हुआ करते थे। अरविंद घोष ने भी ICS का एग्जाम दिया, ICS उन्होंने पास भी कर लिया, परंतु बोले कि भैया आप घुड़सवारी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जो है वो ICS नहीं बन पाओगे। यानी आज आप UPSC की तैयारी कर लो, UPSC में पास भी हो जाओ, आप ट्रेनिंग में जाओ और वहाँ घुड़सवारी होती है, तो बोले आप घुड़सवारी नहीं कर पाए, आप बाहर निकलो, है ना।
उसके बाद में सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये देखिए ये हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 1863 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा पास कर ली थी इंग्लैंड में जाके, और ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने का आपने नाम सुना होगा, उन रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनके बहुत भाई थे ये, शायद 11 भाई थे और सारे के सारे विद्वान थे, इनके पापा, इनकी बहन, मौसी, बुआ सब बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो ये फैक्ट यहाँ से याद रख लेना। तो भारतीयों को उच्च पदों से भी वंचित रखा जा रहा था, इस प्रकार से ये अनेक कारण जो थे भारत के राष्ट्रवाद के उदय के पीछे, ये अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी कारण हैं जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए हमने आज इतना ही रख लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।